में डॉक्टर राधा कृष्ण बताते हैं कि गीता क्या है। गीता क्या है उसके बारे में संक्षेप में एक ही बात कह सकते हैं, हमारे जितने उपनिषद और शास्त्र हैं उनमें जो भी कुछ कहा गया है उस सारे ज्ञान को एक ही जगह इकट्ठा करके उनका सार निकाला गया है। सब शास्त्रों का वही सार वही गीता है। गीता के बारे में महात्मा गांधी ने कहा है कि जब भी वो किसी दुविधा में पड़ जाते थे या जीवन की कोई गुत्थी ऐसी उलझ जाती थी कि सही रास्ता दिखाई नहीं देता था तो वो गीता का सहारा लेते थे। मुझे भगवत गीता में वो शक्ति मिलती है, वो समाधान प्राप्त होता है जो मुझे कहीं और नहीं मिलता। जब जब मैं निराशा के अंधकार में घिर जाता हूँ, कोई आशा की किरण भी नहीं दिखाई देती, तब मैं सीधा भगवत गीता की शरण में जाता हूँ और उसमें एक न एक ऐसा श्लोक अवश्य मिल जाता है जिससे हर प्रश्न का समाधान हो जाता है और विपत्तियों के बीच भी मेरे होठों पर फिर से मुस्कान आ जाती है। गीता ज्ञान कर्म और भक्ति की एक गंगा है जो युगों युगों से इस धरती पर बह रही है और जैसे एक नदी हर प्यासे इंसान की प्यास बुझाती है ये पूछे बिना कि वो प्यासा किस जाति किस रंग किस देश का है। उसी प्रकार गीता की गंगा जाति धर्म और देश का भेदभाव किए बिना समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बह रही है। गीता का कमाल यह है कि किसी मानव के मन या आत्मा में कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो आदि भौतिक हो या सांसारिक हो, हर प्रश्न का उत्तर गीता में मौजूद है। भगवान तक पहुंचने का रास्ता क्या है, आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे हो सकता है, संसारी जीवन में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस जीवन का ध्येय क्या है, आत्मा क्या है परमात्मा क्या है, हर प्रश्न का उत्तर गीता में मौजूद है। उसी प्रकार गीता के बारे में लोकमान्य तिलक ने कहा है, श्रीमद् भगवद् गीता हमारे धर्म ग्रंथों का एक अत्यंत तेजस्वी और निर्मल हीरा है। मनुष्य मात्र के पुरुषार्थ की अर्थात आध्यात्मिक पूर्ण अवस्था की पहचान करा देने वाला, भक्ति और ज्ञान का मेल करा के इन दोनों का शास्त्रोक्त व्यवहार के साथ संयोग करा देने वाला और इसके द्वारा संसार के त्रस्त मनुष्यों को शांति देकर उसे निष्काम कर्तव्य के आचरण में लगाने वाला, गीता के समान बाल बोध ग्रंथ समस्त संसार की